नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। मंगलुरु ब्लास्ट केस की जांच अब एनआईए करेगी, आरोपी शारिक से फिर होगी पूछताछ। धारवाड़ एचडीएमसी 2 लाख छिपी संपत्तियों को सिविक टैक्स के दायरे में लगाने पर विचार। आबकारी नीति के खामियों के कारण दिल्ली को 2873 करोड़ का नुकसान, ईडी ने अदालत को बताया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन, राहुल गांधी के नेतृत्व में आगर मामला की ओर हुई रवाना। हैदराबाद में विजय देवरकोंडा से ईडी ने 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ, एक्टर ने कहा ये फैंस के लव का साइड इफेक्ट है। पहले चरण की 79 सीटों पर मतदान शुरू, शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। एनआईए की कस्टडी में गैंगस्टर लॉरेंस बिनशोई और नीरज बवाना का कराया गया आमना सामना। गुजरात चुनाव, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया ने भावनगर में मतदान किया। 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत मोबाइल की दुनिया में क्रांति कर सकता है, पीएम मोदी। मुंबई लाइव स्ट्रीमिंग में कोरिया की महिला यूट्यूबर से अश्लीलता करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। 13 सालों से गायब फरदीन खान करने वाले हैं धमाकेदार वापसी, 2023 में आएगी विश्व फिल्म। एम्स सर्वर हैकिंग, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट कर रही है मामले की जांच। विकी कौशल की बाहों में दिखी पंजाब की कैटरीना कैफ, तस्वीरों में ब्लश करती नजर आई शहनाज। अब जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक, जांच में जुड़े साइबर एक्सपर्ट। राजस्थान बीजेपी चीफ जेपी नड्डा आज जयपुर से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अग्निवीर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पहली महिला सैन्य पुलिस भर्ती आज से 10 दिसंबर तक। गुजरात चुनाव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश देवरिया में पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी में पिंकी रानी, ठग सुकेश चंद्रशेखर से कराई थी जैकलिन फर्नांडिस की मुलाकात। आधी रात में भी चकड़ा एक्सप्रेस की शूटिंग में बीजी अनुष्का शर्मा, सामने आई सेट से तस्वीर। उर्फी जावेद की सनी लियोनी फिदा हुई बहुत अमेजिंग और आकर्षक है, बेबी डॉल ने की जमकर तारीफ। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुनंदा पुष्कर संदिग्ध मौत मामला, हाईकोर्ट ने सांसद शशि थरूर को भेजा नोटिस, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने की थी अपील। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24x7।